ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग के अंदर स्केलिंग फेज में आपके प्रोडक्ट इमेज को कुछ इस तरह से आपको इस तरह करना नेसेसरी है। अब ऐसे इमेजेस आपको कैसे क्रिएट करने हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कैनवा के हेल्प से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव होता है और आपकी कस्टमर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, जिससे आपका आरटीओ रेट और कैंसिलेशन रेट भी कम हो सकता है। और इस तरह के इमेजेस करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको सिंपली कैनवा पर सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऐसे इमेजेस बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो करके। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पर आपको कैनवा के हेल्प से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये सब सीखने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आपके पास में कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर से आपको कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन जो ओरिजिनल है वो अगर से बहुत महंगा लगता है तो आप बल्क शेयरिंग में भी परचेस कर सकते हो। आपको app.toolsninja.in पे जाना है, ठीक है, या फिर मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आपको क्लिक करना है। ये साइट पर आप चले जाओगे, यहाँ पे बल्क शेयरिंग होती है। आपको बस यहाँ पर साइन अप में डिजाइनर्स पैकेज लेना है जिसके अंदर आपको कैनवा का भी ऑप्शन मिलता है और 349 rupees पर डे आपका इसका चार्ज गिरता है, ठीक है। या फिर कैनवा का अगर से कुछ स्टार्टिंग में फ्री ट्रायल्स वगैरह है तो उसके हेल्प से भी आप कर सकते हो, फिर स्केलिंग फेज में आपको जरूरत गिरेगी। अभी सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे ये जो इमेजेस मैं आपको यहाँ पर बनाने सिखाने वाला हूँ ये आपको स्केलिंग फेज में बनाने, मतलब पर्सनली मैं टेस्टिंग में तो नॉर्मल इमेजेस यूज करता हूँ जो इंटरनेट दूसरे के स्टोर से वगैरह मिल जाती है, बट स्केलिंग फेज में फिर मैं ये सब चीजें करता हूँ जो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपकी चॉइस रहेगी, आपको टेस्टिंग से करनी है, स्केलिंग से करनी है, आपकी मर्जी, लेकिन मैं पर्सनली ये सब स्केलिंग फेज में मैंडेटरी करता ही करता हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुझे क्लेवर कटर जो प्रोडक्ट है उसका कुछ अच्छा सा इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं डिजाइन में जाऊंगा, ठीक है, और डिजाइन में जाके यहाँ पे सर्च करूंगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो यहां पर मुझे मल्टीपल ऐसे ये आते हैं, जैसे समझ लो मैंने अगर से ये डिजाइन में से मैंने ये वाला डिजाइन एक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट डाल के मेरे लिए एक मेरा खुद का इमेज रेडी हो जाएगा, राइट। सो इस टाइप से भी आप चीजें कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर सीन ये है कि हमें क्लेवर कटर के साथ में करना है, तो आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीजें इधर ढूंढनी पड़ेंगी, राइट। तो जैसे अभी मैंने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी डाला तो अपन देखते हैं कि क्लेवर कटर के लिए कौन सा एक बैकग्राउंड इमेज सही जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप आपके जो थंबनेल इमेजेस होते हैं प्रोडक्ट के वो भी बना सकते हो, जो आपके डिस्क्रिप्शन वाली इमेजेस होते हैं जो आप टेक्स्ट के साथ में पुटअप करते हो नीचे, आप वो भी इमेजेस यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मुझे क्लेवर कटर के लिए ओके ये इमेज मुझे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यही इमेज ठीक है, ये इमेज मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अभी देखो हम इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसके जगह पर आप डाल सकते हो yourstore.in, ठीक है, ये हो गया, तो आपका स्टोर यहाँ पे आ गया। बेसिकली फिर यहाँ पर इस प्रोडक्ट को आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि ये और ये इनको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूंगा, ठीक है, और मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा है। सो हम अपलोड्स में जाएंगे, आपको बस आपके प्रोडक्ट का एक सिंपल सा इमेज अपलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखो यहाँ पर ये इमेज आ गया, इसको आप एडिट कर सकते हो और कैनवा में ही खुद का एक इनबिल्ट बैकग्राउंड रिमूवर है तो आप इसको इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया सिंपल, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का लगा देता हूँ, ठीक है। That's it. देखो कितना अच्छा सा हमारा एक बेसिक सा हमारा एक मतलब इमेज जो है क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं एडजस्ट में वगैरह, आप यहाँ पे जितना खेल सकते हो उतना आप यहाँ पे कर सकते हो इन चीजों के साथ में ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे ये, हाँ ठीक है, चलो प्रोडक्ट दिखने के लिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ। अभी यहाँ पर आप जैसे ये भी है तो ऐसा का ऐसा भी आप इसको रख सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ शार्प, है ना, कि जैसे इसका जो ये ब्लेड है ये बहुत शार्प है, मैंने यहाँ पे ये शार्प लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने गुड क्वालिटी प्लास्टिक, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये गुड क्वालिटी प्लास्टिक लिख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। That's it. मतलब आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें लिखनी पड़ेंगी और यहाँ पे लिख दिया आपने कि मेड ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है, बस यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया,
इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। दैट्स इट। देखो कितना अच्छा सा यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने कुछ 2 मिनट के अंदर ही मैंने कितना सही सा इमेज क्रिएट कर दिया, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑफकोर्स सीरम्स के, अगर से आप सीरम्स वगैरह बेचते हो तो उनके तो और भी इमेजेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डिजाइन में जाना है आपको, कुछ भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोशूट वगैरह सर्च करो, मल्टीपल यहाँ पर आपको ये दिखते हैं, ठीक है ना, चीजें दिखती है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको वहां पे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद में वहां से प्रोडक्ट को रिप्लेस करके अपने टेक्स्ट को फिलअप कर देना। तो आपके सामने देखो कितना अच्छा एक इमेज आपके प्रोडक्ट का रेडी हो जाता है। आप चाहे तो बैकग्राउंड को प्लेन रख सकते हो, उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट रख सकते हो, शेडो वगैरह डाल सकते हो, वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। सीरम्स वगैरह के केस में देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरम ऐसे ही मैंने ऑलरेडी इमेजेस बना के रख लिया आपको दिखाने के लिए, तो आपको जिसके जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो आप इस तरह से दिखा सकते हो, है ना। और वो भी आपको इधर से देखो ऐसे इमेजेस में, या फिर बहुत से मल्टीपल इमेजेस आते हैं, आप सिर्फ सीरम फोटोग्राफी सीरम फोटोशूट डालोगे तो आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पर आ जाती है। आपको बस उस पर क्लिक करना है, जैसे आप उधर क्लिक कर, देखो यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो इधर आ जाएगा, इसके जगह पे आप बेनिफिट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने देखो बेनिफिट डाल के रखे, फिर नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर मैंने और एक इमेज बना के रखी है, कितना सही लग रहा है ना इमेजेस। तो जब ऐसे जब इमेजेस और आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जब होते हैं ना गाइस ऐसे इमेजेस, तो इससे ना आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, और कस्टमर की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है देखकर कि यार आपका स्टोर ब्रांडेड है करके, राइट। सो ये यहाँ पर इसका एक बहुत सही फायदा है। तो इसलिए गाइस जब आप स्केलिंग फेज में एटलीस्ट हो ना, कि आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, प्रूव हो चुका है कि अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने वाला है, तो एटलीस्ट तब आप जाकर ये स्टेप ले लेना है, और आपके प्रोडक्ट पेज के जो इमेजेस है उनको और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड करना है। So that's it for this video guys, I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर से आपको ई-कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग और फेसबुक एड्स के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।